हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर आर्क सर्वाइवल इवॉल्व वीडियो। और आर्क सर्वाइवल की गेम प्ले वीडियो ना हो गई एक और न्यूज वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों को थंबनेल से पता चले गया होगा एक और न्यू क्रीचर, मतलब न्यू क्रीचर की तो छड़ी लगी हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे सामने सेंटा क्लॉज है जो जिससे रैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से चिपका हुआ है, पता नहीं क्यों। I'm gay. लेकिन सेंटा क्लॉज से शुरू हुई है और बहुत ही अजीब सी किस्मत की बात है कि मैंने ये क्रिसमस के दिन ही इस वीडियो को अपलोड किया है। इसकी चिंता मत करो, मेरी एक लॉस्ट आइलैंड की वीडियो ऑलरेडी लाइन में थी, तो इस वीडियो के बाद वो भी आएगी, आनी है वो भी आएगी, उसकी चिंता मत करो। ये एकदम लेटेस्ट में जल्दी जल्दी न्यूज उन्होंने दे दी, मतलब एकदम नया करेक्टर नया क्रीचर, तो मैंने सोचा इसको भी दिखाई दिया जाए, है ना। मतलब ये लोग पगलाए हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि अब जून 2022 अगर फ्योटर कहा है ना उन्होंने, तो जून 2022 में ही आएगा वो समर में। और सबसे पहली फोटो यही आई हुई है, सीजन ग्रीटिंग फ्रॉम स्टूडियो वाइल्ड कार्ड, सेंटा अजीब से चिपका हुआ रैप्टर, आइस टाइटन, शैडो मैन। तब तो तुम लोग देख ही पा रहे हो, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बच्चे हो क्या। मेन चलते हैं हम लोग अपने फ्योर्ड हॉक की तरफ, जो कि इनके survivedtheark.com फोरम पे। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं survivedtheark.com फोरम। जैसे तुम लोग देख सकते हो ये है वो पूरा पोस्ट और ये रहा तुम्हारा फ्योर्ड हॉक। सबसे पहली चीज तो कम्युनिटी क्रंच 297 अभी लेटेस्ट में आया, ये 21 घंटे आगो, तभी मैं नहीं कर पाया 21 घंटे आगो पे। इंट्रोड्यूसिंग फ्योर्ड हॉक आर्क न्यू ईयर इवेंट एंड मोर न्यू ईयर्स इवेंट। तो न्यू ईयर्स इवेंट यही था, क्योंकि न्यू ईयर्स इवेंट हम लोग के लिए नहीं आता है, तो किसी के लिए भी नहीं आता है, सिर्फ ऑफिशियल सर्वर्स के लिए आता है। तो इन्होंने जैसे कि यहाँ तुम पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ लो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन वीडियो के लिए हम लोग आए हैं। क्विक वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ये इन्होंने मतलब दुनिया भर के लोगों को दे दी, मतलब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इन्होंने शुरू किया था कम्युनिटी, और इन्होंने स्पेनिश, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, LGBTQ, मोहल्ला, मौसा, मौसी सबको दे दिया, यहाँ तक कि सिंटैक को भी दे दिया कि 1 मिलियन सब्स हो गए उसके। अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्यों नहीं। लेकिन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग में शायद मेरे हिसाब से शायद हिंदी वाले लोग भी आते हैं, आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मेरे गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर ही क्या सकते हैं हम लोग उन लोग पे, क्योंकि आर्क से इतना प्यार करता हूँ मैं, तो उन लोगों को कुछ कह भी नहीं सकता, है ना। तो कह भी नहीं सकता, हम लोगों को खुद ही अपना नाम बनाना होगा, तो इसलिए नाम बनाने के लिए तो मेरा सब्सक्राइबर बनना जरूरी है और एक लाइक करना जरूरी है यार। जब ऊपर पहुंचाओगे तभी तो यहां नाम आएगा हम लोग का, ये सिंटैग की जगह मेरा नाम देखना नहीं देखना, तुम लोग को देखना है ना यार, लाइक सब्सक्राइब ना। तो यही है, देख लो तुम लोग, पूरा पढ़ के बैठ बैठ के पढ़ लेना, है ना, पूरी दुनिया भर के लोगों को थैंक्स कर दिया बस। अब क्या, सो गेटिंग टू द पॉइंट, बहुत उसकी बकवास। इंट्रोड्यूसिंग फ्योर्ड हॉक, और मैं भी तुम लोग को ये अल्ट्रा HD फोटो में भी दिखाऊंगा, है ना। सो ये है फ्योर्ड हॉक के इन गेम नहीं, मतलब रेंडर्ड प्रोजेक्ट, और रेंडर प्रोजेक्ट में इसका नाम है फ्योर्ड हॉक, फिर सा फ्योर्डर का एक और नया क्रीचर, आखिरी क्रीचर तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ ये लो वीडियो ऊपर, यहाँ पे तुम्हारा पिछला क्रीचर तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी कि एंड्रू सार्कोस, जिसको मैंने बताया था अगर तुमने वीडियो बना देखी हो तो, ये है वीडियो, है ना, एंड्रू सार्कोस के बारे में। और अब ये फ्योर्ड हॉक आया हुआ है और तीसरे की वोटिंग चल रही है, और वोटिंग का भी देखो, अगर मेरे को मिल जाता है वोटिंग का, तो तुम लोग अपने जाके जो भी तुमको पसंद आए क्रीचर उसको वोट करो जाके, मतलब मैंने तो एक कीड़े जैसा था उसकी फोटो, अगर मेरे को मिल जाएगी एडिटिंग दौरान तो मैं इसको लगा दूंगा, नहीं मिलती है तो भी ठीक है, मतलब वो मेरे को कीड़े जैसा क्रीचर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो हवा में उड़ता भी है और हवा में तुमको उठा के भी ले जा सकता है, पानी वाले क्रीचर्स को भी उठा के ले जा सकता है, और जब वो उड़ते उड़ते कीड़ा जो है वो पानी में चला जाता है, जब पानी में जाता है तो ऑक्टोपस बन जाता है। मतलब मैं फ्योर्ड हॉक की जगह किसी और की पढ़ाई करे पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। लोग जो है बाइसन और पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब कर रहे थे वोट, टाइटेनोसेराटॉप्स, लेकिन वो सब हर कोई देख चुका है ना, मतलब बहुत ही नॉर्मल से थे, उन लोग के कुछ खास एबिलिटीज भी मेरे को नहीं थी कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, वो पानी में भी चला जाता है और ऑक्टोपस की तरह बिहेव भी करने लगता है, सब उसको टूसे टूसे समझने लगेंगे, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल था, तो मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको वोट कर दें। तुम लोग वही करना जो तुम्हारा मन करे, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई और कुछ और वोट कर दे जाके, तुम लोग वही करना जो तुम्हारा मन करे, मैंने इसको किया। तो अब आते हैं बहुत चुकी बकवास फ्योर्ड हॉक पे। तो फ्योर्ड हॉक का नाम फ्योर्ड हॉक है, ऑब्वियसली स्पीशीज मैं पढ़ने नहीं वाला क्योंकि इसकी मैं माँ बहन कर दूंगा, पता नहीं क्या है ये, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे पढ़ेंगे इसको। टाइम है मिड लेट एंथ्रोपोकीन, ये पोसी मैंने फिर रख दिया, ओके ये भी नहीं पढ़ने वाला मैं, एंथ्रोपोकीन ही होता है शायद। डाइट ओमनिवोर ऑब्वियसली, टेम्परमेंट कैलकुलेटिंग, मतलब दिमाग लगाएगा, है ना। सो पढ़ना चालू करते हैं, तो वाइल्ड जो यहाँ पे नीचे इसका डॉसियर भी है, डॉसियर में जितनी चीज़ें लिखी हैं देख रहे हैं, वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड यहाँ भी वही है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर है सच में, मोस्ट ऑफ दी मतलब इस्थियोनिस है, लेकिन अ ग्रेटर इस्थियोनिस, लेकिन इस्थियोनिस की तरह हराई पढ़ना नहीं करेगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, बताने की जगह। मोस्ट ऑफ द क्रीचर्स हैव एनकाउंटर्ड हेयर हैव एंड्योर्ड थैंक्स टू द ग्रेट साइज स्ट्रेंथ और फेरोसिटी, बट द फ्योर्ड हॉग गेट्स बाय ऑन इट्स विट्स एंड बाय स्कैवेंजिंग क्रीचर।
द बर्ड ऑल्सो सीम्स टू हैव एन ऑलमोस्ट प्रीटरनेचुरल एबिलिटी. इसका क्या मतलब होता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता. टू प्रिडिक्ट एंड अवॉइड डेंजर, मतलब सिक्स्थ सेंस शायद यही कहना चाह रहे हैं. फ्योडॉग्स फॉलो प्रेडेटर्स एंड सर्वाइवर्स फ्रॉम ऑन हाई, वॉचिंग फॉर देयर मोमेंट टू स्वूप इन एंड स्नैच अप ऑन एन ईजी मील. नाइस, इस्थियोनिस ये करती है वो. डोमेस्टिकेटेड टेम्ड फ्योडॉग्स आर सरप्राइजिंगली प्लेफुल एंड देयर फेवरेट गेम इज फेच. इस्थियोनिस ये भी नहीं करती है, मतलब गुस्सा दिलाती है वो सिर्फ. फेच डॉगी, उड़ने वाला. ऑसम. इंडल्ज योर बर्ड विद इट्स प्ले, विद दिस प्ले एंड अ बिट ऑफ पेशेंस, यू विल रीप द रिवॉर्ड्स. मतलब कुछ ये अनोखा भी लेके आएगी. वो मछली लेके आती है इस्थियोनिस, थोड़ी बूस्टेड मछली जिसको तुम वाटर को खिलाओ तो तुम आसानी से टेम कर सकते हो, ऐसा होता है. लेकिन ये रिवॉर्ड्स लेके आएगी, क्या लेके आएगी देखो ये बता रहे हैं. जस्ट पॉइंट आउट अ टारगेट एंड योर फ्योडॉग विल फ्लाई ऑफ टू रिट्रीव इट फॉर यू. तुम्हारे लिए लेके भी आएगी. अ वेल ट्रेंड फ्योडॉग कैन लोकेट इंजर्ड प्रे एंड कम्युनिकेट इट्स फाइंड टू यू. मतलब तुमको बताएगी भी आके कहीं एक प्रे इंजर्ड है. अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम करेगा. मतलब इंजर्ड प्रे मतलब क्या करेंगे हम लोग. कोई इंजर्ड प्रे तो ऐसे ही नहीं होता है. मतलब यही होगा कि आसपास कोई मतलब मरने वाला है ये बताएगी. पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये इसका काम कैसे होगा. ये है क्या मतलब, ये इन्होंने खुद दिया, ये वोटिंग वाला नहीं है. इन्होंने खुद दिया, इन्होंने दो तो क्रीचर अपने से बना के दिए, एक तुमको वोटिंग के लिए दिया है. अगला इसका ये है कि दीज क्लेवर बर्ड्स विल बॉन्ड विद ह्यूमन एज होल हार्टेडली एज एनी केनाइन और प्राइमेट. मतलब डायनोपेथिकस की तरफ यहाँ पे जा रहा है प्राइमेट क्या के और केनाइन यानी कुत्ते. तो इन अ वे यूनिकली सूटेड टू इट्स टाइम एंड प्लेस इफ यू शुड मीट विद सम ग्रेव मिसफॉर्च्यून, यानी तुम मर गए, योर फ्योडॉग विल इमीडिएटली फ्लाई ऑफ विद एज मेनी ऑफ योर बिलोंगिंग्स एज इट कैन कैरी. एज सून एज यू आर रिस्पॉन्ड बाय द आर्क, योर फ्रेंड विल ट्रैक यू डाउन and return your equipment to you. यहाँ पे तुम लोग देख भी लो, ये देख रहे हो, ये तुमने देखा ये प्रे को, मतलब बड़े बड़े जो प्रे होते हैं, प्रे नहीं प्रेडेटर्स होते हैं, उनको देख रहा है ऊपर से. ठीक, पहली चीज़ उन्होंने यहाँ दिखा दी. दूसरी चीज़ देखो, यहाँ सामान ला के दे रहा है अपने उसको प्लेयर को. ये देखा तुम लोगों ने, ये करेगा ये. मतलब वाह, ये बहुत अच्छा है. मतलब तुम मरे और तुम्हारा फ्योडॉग तुम्हारा सामान लेके भाग जाएगा, और जैसे ही तुम जहाँ रिस्पॉन होगे वो तुम्हारे पास तुमको ट्रैक करके तुम्हारा सामान लेके आएगा तुम तक. मतलब इसके वेट में पॉइंट डालना होगा और ज़्यादा सामान उठाने के लिए. पीवीपी में लोग इसको मार सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल ही लग रहा है. मतलब अगर अच्छा खासा तुम्हारा अच्छे लेवल का फ्योडॉग हुआ तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और बाकी सब वही है, फ्योडॉग विल लैंड ऑन आर्क विद द अपकमिंग फ्री डीएलसी मैप फ्योडर, है ना. और बाकी फ्योडर क्रीचर वोटिंग इज ओपन, जो तुमसे बताया था अभी कि क्रीचर वोट चल रहा है. तो टॉप 10 क्रीचर थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे, तुम बैठ के पढ़ना बकायदा. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना, survivetheark.com. ये कम्युनिटी क्रंच 297. वैसे तुम लोग चले जाओगे इनके डिस्कॉर्ड पे तो भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तुम लोग जाके पढ़ सकते हो. तो इन्होंने बताया है कि हम लोग जो है सीधी सीधी वोटिंग नहीं रखना चाह रहे हैं, हम लोग थोड़ी रैंक्ड चॉइस वोटिंग रखना चाह रहे हैं. तो वोटिंग उस तरह कराएंगे, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा काटेंगे, उसको सबसे कम वोट मिलेगा उसको हटा देंगे, फिर दो को करेंगे, फिर उनको हटा देंगे, फिर दो को करेंगे, फिर हटा देंगे, उस तरह है. तो तुम लोग जाके देख लेना. बाकी सब तो फिर यही है रीकैप ऑफ आर्क इन 2021. सो यार, ये थी पूरी वीडियो, और ये था तुम्हारा न्यू क्रीचर फ्योडहॉग. सो यार गाइस, अगर तुम लोग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना क्या तुम लोग को फ्योडहॉग पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है तुम लोग को फ्योडर. और इसे मैंने ये शॉर्ट वीडियो जल्दी बना दी कि मतलब तुम लोग को बताने के लिए कि हाँ ये न्यूज़ आई है, कि मैं न्यूज़ भी करने लग गया हूँ, सरप्राइज सरप्राइज. सो यार, और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग नया चैनल पे, अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो. और मैं मिलता हूं तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.